हर तरफ सिर्फ बागीटू 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 की चर्चा है दोस्तों। बागीटू ने बॉक्स ऑफिस में 3 दिन के अंदर ही अपनी इनिशियल कॉस्ट को निकाल दिया था दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे दिन यानी कि मंडे की। 2 अप्रैल को मैंने आपको बताया था कि भारत बंद था और इवनिंग शो से ही शो शुरू हुए दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग में शोज ही नहीं मिले, भारत ही बंद था दोस्तों, जिसकी वजह से बिजनेस कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, बिजनेस उतना भी हैम्पर नहीं हुआ है। बागीटू ने दोस्तों चौथे दिन यानी कि 2 अप्रैल को कमाई कर ली है 12.10 करोड़ की। एंड यहाँ पर आपका फिल्मी आरा ने जो प्रिडिक्ट किया था वो करेक्ट हुआ है, माइंड इट। तो दोस्तों टोटल मिला के बागीटू अब कमाई कर ली है बॉक्स ऑफिस पे 85.20 करोड़ और 100 करोड़ कुछ ही देर में पूरे होने वाले हैं। देखो आज का दिन जैसे ही जाएगा मैं आपको कल यही अपडेट देता हुआ नजर आऊंगा कि बागीटू ने 100 करोड़ का दायरा पार कर दिया है। बधाई हो मेकर्स नाडियावाला ग्रैंडसन यानी कि मिस्टर साजिद नाडियावाला को, टाइगर दिशा, मनोज वाजपेयी सबको ढेर सारी बधाइयाँ। एंड हाँ, कैप्टन ऑफ द शिप अहमद खान को भी ढेर सारी बधाइयाँ। आपको क्या कहना है 12.10 करोड़ को लेकर? ये जो भी अमाउंट आई है आपको क्या लगता है, मेरा प्रेडिक्शन कैसा था? सारी बातें कमेंट सेक्शन में फटाफट बोल दो। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स कहीं ना जाना, राहुल भोज है ना, फिल्मी आ रहा।